साथियों, बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहां की मिट्टी माफ नहीं करती है, लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं कई कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, और जरा बहराइच से आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि इन गौर परिवारवादियों की नींद उड़ जाए। जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जो बम धमाके करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दें, ऐसे आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर फांसी का हुक्म होता है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आतंकवादियों को फांसी होती है तो निर्दोष नागरिकों को उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी दो दिन पहले अहमदाबाद के न्यायालय ने अनेक लोगों को फांसी की सजा सुनाई, जो आतंकवादी घटनाएं करके, बम धमाके करके निर्दोषों को मार दिया था। मुझे बताइए, ये न्यायालय ने सही काम किया कि नहीं किया? ऐसा काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था, ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है। भाइयों,